फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 11 यूपी बोर्ड का शॉर्ट स्टोरीज का लेसन 3, जिसका नाम है ड्रॉट, को एक्सप्लेन करूंगा। और इसके राइटर हैं शरत चंद्र चटर्जी। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें मानवीय संबंधों को दिखाया गया है, मानव जीवन में आने वाले दुखों को दिखाया गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें दुख का भी आभास होगा। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और आप क्या कुछ चाहते हैं वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताएं। ड्रॉट, ड्रॉट का अर्थ है सूखा, दुर्भिक्ष। अब स्टोरी पे आते हैं। द विलेज वाज कॉल्ड काशीपुर। विलेज को, गांव को काशीपुर कहा जाता था। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था, बट इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल, लेकिन इसका जो जमींदार था वो ज्यादा छोटा था। तब ये छोटा कद में है या अपने व्यक्तित्व में, अपने विचारों से छोटा है, ये आप खुद समझिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। एट हिज टेनेंट डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम। टेनेंट का अर्थ तो ऐसे किराएदार होता है, लेकिन यहां पे टेनेंट से अर्थ है जो लोग उसकी जमीन पे खेती करते थे और उसे मालगुजारी वगैरह देते थे। एट हिज टेनेंट डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम। उसके जो जमीन पे खेती करने वाले या जमीन को किराए पे लेने वाले लोग थे, उनको जमींदार के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती थी। डेयर का मतलब है साहस। ही वाज सो रथलेस। रथलेस का अर्थ है निर्दयी। वो इतना निर्दयी था कि उसके जमीन पे खेती करने वाले जो लोग किराए पर जिसका लगान चुकाते थे, जिस जमीन का, वे लोग जमींदार के सामने खड़े होने का साहस नहीं करते थे। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। उसके सबसे छोटे पुत्र का जन्मदिन था। इट वॉज नून, यह दोपहर का समय था। तरक रत्न द प्रीस्ट वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस। तरक रत्न, जो कि पुजारी था, प्रीस्ट का अर्थ है पुजारी, वो अपने घर के रास्ते पे था और जमींदार के घर से, मतलब जमींदार के घर से होकर अपने घर के रास्ते पर था। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर, जहां पे वह पूजा पाठ कर रहा था। प्रेयर का मतलब अर्थ होता है प्रार्थना, तो जमींदार के यहाँ यह पूजा पाठ कर रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे, यह मई के अंत का समय था, मई का आखिरी का सप्ताह समझ लीजिए। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई। पैच का अर्थ यहाँ पे टुकड़ा से है, लेकिन अभी आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं देखा गया था। द रेनलेस फर्मामेंट प्रोड्यूस्ड फायर। द रेनलेस फर्मामेंट पावर्ड फायर। रेनलेस वर्षा विहीन, फर्मामेंट का अर्थ है आकाश, वर्षा विहीन आकाश पावर्ड फायर। पावर्ड का अर्थ है उड़ेलना, आग उड़ेल रहा था, आसमान जो था वह आग उड़ेल रहा था।
एट द इंड ऑफ फील्ड बिसाइड द रोड, रोड के किनारे, सड़क के किनारे, खेतों के अंत में, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, वहाँ पे गफूर का मकान था, गफूर का घर था। द वीवर, जो कि एक जुलाहा था, नाउ दैट द मड वॉल्स वेयर इन रियूंस, और जो मिट्टी के दीवार थे वे खंडहर हो चुके थे, ड्यून का अर्थ है खंडहर होना। द कोर्ट यार्ड टच्ड द पब्लिक हाईवे, और उस घर का जो आंगन था वो पब्लिक हाईवे, राजमार्ग जो वहाँ पे था उसको छू रहा था, मतलब घर की दीवारें गिर गई थीं और आंगन से लेके राजमार्ग तक सब एक हो गया था। एंड द इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर बाय, और जो घर की आंतरिक गोपनीयता थी, इनर प्राइवेसी का मतलब है आंतरिक लज्जा, हर कोई घर में, घर के अंदर अपनी अपनी इज्जत समझता है, तो घर की दीवारें अगर गिर गई थी तो घर की इज्जत बाहर उजागर हो चुकी थी, और ये आने जाने वालों, पैसरबाई का अर्थ है आने जाने वालों की दया पर निर्भर करता था कि उस तरफ देखें या न देखें। हे गफूर इज एनीबॉडी इन, कॉल आउट तरक रत्न, तरक रत्न ने पुकारा, हे गफूर क्या यहाँ कोई है। स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड, और ये जो तरक रत्न थे वो सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होकर पुकार रहे थे, बुला रहे थे। व्हाट डू यू वांट, फादर इज डाउन विथ फीवर, एंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर एज्ड 10 अपीयरिंग एट द डोर। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, फादर इज डाउन विथ फीवर, पिताजी तो बुखार में पड़े हुए हैं, फीवर का अर्थ है बुखार। एंसर्ड द गफूर्स लिटिल डॉटर, गफूर की छोटी लड़की ने जवाब दिया, एज्ड 10 जिसकी उम्र 10 साल थी, अपीयरिंग एट द डोर दरवाजे पर आते हुए। फीवर, कॉल द स्कॉन्डर, स्कॉन्डर का अर्थ है बदमाश, जैसे तरक रत्न को आश्चर्य हुआ और पूछा बुखार, उस बदमाश को बुलाओ। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट, ये जो शोर शराबा हुआ, बातचीत हुई, इस शोर शराबे ने गफूर को बाहर लाया, गफूर खुद ही चल के आया, शिवरिंग विथ फीवर, जो कि बुखार से कांप रहा था, शिवरिंग का अर्थ है कांपना। ए बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड एकेसिया दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, एक बैल, बुल का अर्थ है, बुल का अर्थ तो ऐसे सांड होता है पर यहाँ पे बैल से है, एक बैल एक पुरानी एकेसिया बबूल के पेड़ के साथ बंधा हुआ था, जो कि झुका था उस गिरे हुए दीवार पर, जो गफूर के घर का दीवार गिर गया था उस पे एक बबूल का पेड़ झुका हुआ था, और उस बबूल के पेड़ पर, उस बबूल के पेड़ से एक बुल, एक बैल बंधा हुआ था। व्हाट डू आई सी देयर, डिमांडेड तरकरत्न, तरकरत्न ने कहा कि मैं क्या देख रहा हूं, इंडिकेटिंग द बुल, बैल की तरफ इशारा करते हुए। डू यू रियलाइज दैट दिस इज ए हिंदू विलेज एंड द लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ ए ब्राह्मण, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो, रियलाइज का तो महसूस करना होता है, तो यहाँ पे अर्थ है कि क्या तुम जानते हो यह गांव हिंदुओं का गांव है, और जो लैंडलॉर्ड, जो जमींदार है, वह खुद भी एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विथ इंडिग्नेशन एंड द हीट ऑफ सन, क्रिम्सन का अर्थ है लाल और इंडिग्नेशन का अर्थ है क्रोध, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था, क्रोध और सूर्य की गर्मी से लाल हो गया था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड शुड बी हॉट एंड हर्स,
यह आशा करना चाहिए कि उसके जो शब्द थे वो बहुत ही गर्म थे और कर्कश थे, क्योंकि जिस तरह से उसका चेहरा तमतमाया हुआ था तो समझिए कि उसके जो शब्द रहे होंगे कितने कर्कश रहे होंगे, कितने कठोर रहे होंगे। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, पर गफूर ने बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से उसको देखा। अनएबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड, और उसके शब्दों का अर्थ समझ पाने में असमर्थ था। तर्करत्न ने जो बातें कही उसके शब्दों का अर्थ नहीं समझ पा रहा था। वेल सेड तर्करत्न, तर्करत्न ने कहा कि ओ वेल आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट इज स्टिल देयर, मैंने देखा था इसको सुबह यहाँ बंधा हुआ था और ये अभी भी वहीं बंधा हुआ है। इफ बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, फ्ले का अर्थ है चमड़ी उघेड़ना, यदि यह बैल मर जाता है तो तुम्हारा जो मालिक है तुम्हारी चमड़ी जीते जी उघेड़ लेगा। ही इज नो ऑर्डिनरी ब्राह्मण, वह एक साधारण ब्राह्मण नहीं है। व्हाट शैल आई डू बाबा आई एम हेल्पलेस, अब गफूर ने कहा कि बाबा मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल असहाय हूं। आई हैव हैड फीवर फॉर लास्ट फ्यू डे, और मैं कुछ दिनों से मुझे बुखार है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं उस बैल को बाहर चराने के लिए नहीं ले जा सकता। आई फील सो इल, मैं बहुत ही बीमार महसूस कर रहा हूँ। कांट यू एट हिम ग्रेज हिमसेल्फ, क्या तुम उसको खुद ही चरने के लिए नहीं छोड़ सकते हो। वेयर शैल आई लेट हिम गो बाबा, मैं उसको कहाँ छोड़ूं। पीपल हैव नॉट थ्रेस्ट ऑल देयर पैडी एट, लोगों ने अपने धान को अभी तक दाया नहीं है। थ्रेस्ट का मतलब है जो थ्रेसिंग की जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में अनाज को दायना कहते हैं। तो अभी दवाई नहीं हुई है धान की, लोगों ने अपने धान की दवाई नहीं की है। इट इज स्टिल लाइंग इन द फील्ड, ये अभी भी खेत में खड़ा है। द स्ट्रा हैज नॉट बीन गैदर्ड, भूसा भी इकट्ठा नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। सिंडर का अर्थ होता है राख। देयर इज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कहीं पे घास का एक तिनका भी नहीं है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, मैं उसको छोड़ कैसे सकता हूँ बाबा। ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इन टू समबॉडी पैडी आर ईटिंग समबॉडी स्ट्रॉ, क्योंकि वह निश्चित ही किसी के धान के खेत में अपना मुंह मारना शुरू कर देगा। पोकिंग का अर्थ है मुंह मारना, तो किसी के धान के खेत में मुंह मारना शुरू कर देगा या फिर किसी का भूसा खाने लगेगा। तर्करत्न सॉफ्टेन ए लिटिल, तर्करत्न थोड़ा नरम हुआ। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द सीड समवन समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रा और टू मंच, लेकिन तुम कम से कम उसको कहीं छाए में बांध सकते हो और उसे एक दो बंडल भूसे का दे सकते हो चबाने के लिए। मंच का अर्थ है चबाना। हैज नॉट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाया है। व्हाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉयल राइस वाटर, तुम उसे बॉयल राइस का उबले हुए चावल का पानी, जिसे माड़ कहते हैं, तो तुम इस बैल को एक टब माड़ क्यों नहीं दे देते। लेट हिम ड्रिंक इट, उसे दो और वह पी जाएगा। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तर्करत्न एंड ए डीप साई एस्केप्ड हिम, वह बिल्कुल असहाय होकर तर्करत्न को देख रहा था और एक गहरी सांस लिया। एस्केप्ड का अर्थ है निकलना, तो उसने एक गहरी सांस लिया। आई सी यू हैव नॉट इवन गॉट दैट मच, मैं देखता हूं कि तुम ज्यादा कुछ नहीं पाए हो।
What have you done with your share of straw? तुमने अपने हिस्से के भूसे का क्या किया? I suppose you have gone and sold it to satisfy your belly. मैं मानता हूँ कि तुम गए होगे और इसे बेच दिए होगे अपने पेट के लिए. belly का अर्थ है पेट और satisfy का मतलब संतुष्ट करना. तो अपने पेट के लिए अपने खाने के लिए बेच दिए होगे. Not saved even one bundle for the bull. और इस बैल के लिए एक बंडल भी नहीं बचा है. How callous you are. callous का अर्थ है निर्दयी. तुम कितने निर्दयी हो. At this cruel accusation, Gafoor seemed to lose the power of speech. Accusation. Accusation का अर्थ होता है दोषारोपण. At this cruel accusation, इस निर्दयी दोषारोपण से गफूर seemed to lose the power of speech. ऐसा लगा कि गफूर जवाब देने की शक्ति ही खो चुका था. उसके ऊपर जो यह आरोप लगा दिया गया था उसे लगा कि वो अपने बोलने की शक्ति ही खो चुका है. This year I was to have received my share of straw. इस साल मुझे अभी अपने हिस्से का भूसा लेना है. said गफूर स्लोली आफ्टर a मोमेंट ऑफ hesitation. कुछ क्षणों की हिचकिचाहट के बाद गफूर ने धीरे से जवाब दिया. हेजिटेशन का अर्थ है हिचकिचाहट. तो कुछ क्षणों की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से जवाब दिया. बट द मास्टर kept इट ऑल एन अकाउंट ऑफ my लास्ट ईयर rent. लेकिन जो मालिक हैं वह सारे का सारा हिस्सा रख लिए पिछले साल के किराए के रूप में. सर यू आर आवर गॉड एंड मास्टर. श्रीमान आप ही हमारे भगवान हैं. आप ही हमारे मालिक हैं. आई इम्प्लोर फॉलिंग एट हिज फिट. इम्प्लोर का अर्थ होता है गिड़गिड़ाना. मैं पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ाता हूँ. वेयर एम आई गॉड इफ आई लीव योर डोमेन. डोमेन का अर्थ होता है राज्य. आपका राज्य छोड़कर मैं कहाँ रह पाऊंगा. यदि मैं आपका राज्य छोड़ भी दूं तो मैं कहाँ जाऊंगा. लेट मी हैव एट लीस्ट ए लिटिल स्ट्रॉ. कम से कम मुझे थोड़ा भूसा तो दे दें. देर इज नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ. मेरे छत पे भी भूसा नहीं है. एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच वी टू फादर एंड डॉटर लीव. और हमारे पास केवल यही एक झोपड़ी है जिसमें हम दोनों पिता पुत्री रहते हैं. वी सेल पैच द रूफ विथ पाम लीव एंड मैनेज दिस रेनी वेदर. हम लोग छत को ताड़ के पत्तों से पाम लीव्स का अर्थ है ताड़ के पत्ते. हम लोग छत को ताड़ के पत्तों से ढक देंगे और इस बरसात के मौसम में गुजारा करेंगे मैनेज कर लेंगे. Somehow, but what will happen to our Mahesh without food? लेकिन हमारे महेश का क्या होगा बिना भोजन के. Indeed, you are fond enough of bull to call him Mahesh. This is a joke. वास्तव में तुम काफी शौकीन हो बैल के काफी शौकीन हो जो बैल को महेश कह रहे हो. This is a joke. यह मजाक लगता है. एक मजाक है. But his sarcasm did not reach Gafoor. Sarcasm का अर्थ है व्यंग. लेकिन वह जो व्यंग था गफूर समझ नहीं सका. But the master took no pity on me. लेकिन मालिक ने मेरे ऊपर कुछ भी दया नहीं किया. He went on. वह जारी रहा कहता रहा. He gave me paddy to last only 2 months. उन्होंने मुझे कुछ धान दिया है जो केवल 2 महीने तक के लिए है. My share of straw was added to his own stock. और मेरे हिस्से का जो भूसा था वो उनके ही स्टॉक में उनके ही गोदाम में जमा हो गया. महेश did not have even a wisp of it. Wisp महेश के लिए एक मुट्ठी भी नहीं मिला. Well
Do not you owe him money, said Tarak Ratna. Tarak Ratna ne kaha, Achha, kya tumne usse paise udhar nahi liye hain? Why should not you have to pay? Aakhir tum usse chukate kyun nahi ho? Do you expect the landlord to support you? Kya tum aasa karte ho ki zamindar tumko sahyog karega, tumko sahara dega? But what am I paid him with? Par main usse kya chuka sakta hoon? We till 4 bigha of land for him. Hum log uske 4 bigha jameen ki jutai karte hain. But the paddy was dried up in the field during the drought in last 2 years. Lekin dhan khet mein hi sukh gaya sukhe ke karan pichle 2 saalon mein. My daughter and I have not even enough to eat. Meri putri aur mere paas khane ke liye bhi पर्याप्त नहीं रखते हैं. इसका अर्थ है कि मेरे पास और मेरी पुत्री के पास खाने भर भी नहीं है. Look at the hut. झोपड़ी को देखो. When it rains, जब वर्षा होती है. I spend the night with my daughter huddled in one corner. हडल का अर्थ है सिकुड़ जाना, सिकुड़कर. जब बारिश होती है तो मैं अपनी पुत्री के साथ इस एक कोने में चिकुड़कर बिताता हूं. वी कैन नॉट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स. हम अपने पैरों को भी फैला नहीं सकते. लुक एट महेश. महेश को देखो. यू कैन काउंट हिज रिब्स. आप उसकी पसलियों को भी गिन सकते हैं. रिब्स का अर्थ है पसलियां. डू लेंड मी ए बीट ऑफ हे फॉर हिम सो दैट ही कैन हैव सम thing to eat for a day or two. क्या आप मुझे कुछ भूसा उधार देंगे ताकि वह एक दो दिन खा सके? And Gafur sank down on the ground at the Brahmin's feet. और गफूर उस ब्राह्मण के पैरों पर नतमस्तक हो गया, साष्टांग प्रणाम किया. नो नो मूव एसाइड लेट मी गो होम. नहीं नहीं एक तरफ हटो, मुझे घर जाने दो. इट इज गेटिंग लेट. बहुत देर हो रही है. तर्क रत्न मेड ए मूवमेंट एस दो टू डिपार्ट. तर्क रत्न ने कुछ इस तरह से मूवमेंट किया, गति की, जैसे वह विदा होना चाहता हो, विदा हो रहा हो. स्माइलिंग गुड गॉड, मुस्कुराते हुए, हे भगवान. He seems to brandish his horn at me. Will he hurt? He seems to brandish. ऐसा लगता है कि वह घुमा रहा है अपने सिंहों को मेरी तरफ. Will he hurt? क्या वह मारेगा? He cried out with fright and anger. वह डर से और क्रोध से चिल्ला पड़ा. Stepping hurriedly back का मतलब है अपने पैरों को पीछे करते हुए, जो पैर बैल की तरफ जा रहे थे उसको पीछे करते हुए गुस्से और डर से चिल्लाया. गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट. गफूर अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ. स्टैगर का मतलब है लड़खड़ाना. ही वॉन्ट्स टू ईट ए हैंडफुल. वह एक मुट्ठी खाना चाहता है. He said, indicating the weight bundle of rice and fruit in Tarakrat's hands. उसने कहा, गफूर ने कहा कि वह एक मुट्ठी खाना चाहता है और कहते हुए इशारा किया उस भीगे हुए राइस धान के चावल के बंडल की तरफ और फलों की तरफ जो तरकरत के हाथों में थे. Wants to eat. Indeed, like master, like animal. वास्तव में खाना चाहता है.
जैसा मालिक वैसा जानवर हैज नॉट इवन ए बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट। यहाँ तो खाने के लिए एक तिनका नहीं है, भूसे का एक तिनका नहीं है, और यह चाहता है कि चावल और फलों को खाए। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, इसे दूर करो और कहीं और बांधो। व्हाट हॉर्स, कैसी सिंह है, ही विल गोर समबॉडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज। गोर का मतलब है मारना। यह कभी इन दिनों ऐसे दिनों में किसी को जान से मार देगा। एजिंग ए लिटिल द प्रीस्ट मेड ए क्विक एग्जिट, किन थोड़ा सा किनारे आते हुए उस पुजारी ने प्रस्थान किया या वहां से सरक लिया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, गफूर ने बहुत ही शांति से महेश को देखा, दूर से ही देखा। हूज टू डीप ब्राउन आईज वेयर फुल ऑफ पेन एंड एंगर, जिसकी दो गहरी भूरी आंखें दर्द और भूख से भरी हुई थी। डिड नॉट इवन गिव ए हैंडफुल, एक मुट्ठी भी नहीं दिया। ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया। पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, बैल की गर्दन और पीठ को थपथपाते हुए वह बड़बड़ाया कि एक मुट्ठी भी नहीं दिया। यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो महेश। ही विस्पर्ड टू हिम, वो उसे फुसफुसाया, फुसफुसा के कहा तुम मेरे बेटे हो। यू हैव ग्रोन ओल्ड एंड सर्व्ड एस फॉर 8 years, तुम बूढ़े हो चले हो और मेरी 8 सालों तक सेवा किए हो। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, मैं तुम्हें खाने भर नहीं दे सकता। बट यू नो हाउ मच आई लव यू, डोंट यू, पर तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, क्या तुम नहीं जानते। महेश ओनली स्ट्रेस्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज्ड हिज आई विथ प्लेजर, महेश ने केवल अपना गर्दन फैलाया और फिर अपनी आंखें आनंद से बंद कर ली। आखिर उसका मालिक उससे इतना स्नेह दिखा रहा था। टेल मी, वेंट ऑन गफूर, गफूर कहता रहा, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस डेडफुल ईयर, तुम्हें बताओ मैं तुम्हें इस भयानक वर्ष में, भयानक समय में जिंदा कैसे रखूं। इफ आई लेट यू लूज, यदि मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी आर मंचिंग देयर बनाना लीव्स, तुम दूसरे लोगों के धान को खाना शुरू कर दोगे या फिर केले के पत्तों को चबाने लगोगे। व्हाट कैन आई डू विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में शक्ति भी नहीं बची है। नो बॉडी वॉन्ट्स यू, कोई तुम्हें नहीं चाहता है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, उन लोगों ने कहा है कि मैं तुम्हें पशुओं के बाजार में बेच दूँ। आगे भी कुछ कुछ कहना चाहता था या बड़बड़ाता है। एट द वेरी आइडिया हिज आई फील्ड विथ टीयर्स अगेन, और इस विचार से ही उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वाइपिंग हिज टीयर ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड एंड लुकिंग दिस वे एंड दैट, ही फेस्ड ए टीनी बंच ऑफ डिस्कलर्ड ओल्ड स्ट्रा फ्रॉम बिहाइंड द हट। Wiping his tears on the back of his hand, अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से से अपने आंसुओं को पोंछते हुए, and looking this way, और इस तरह से देखते हुए, he faced का मतलब है खींचना, a teeny bunch of discolored old straw, एक छोटा सा गुच्छा, भूसे का एक छोटा सा बदरंग गुच्छा, discolored का मतलब बदरंग, bunch मतलब गुच्छा, उसने एक बदरंग गुच्छा भूसे का खींचा। फ्रॉम बिहाइंड द हट, झोपड़ी के पीछे से। ईट इट क्विकली माई चाइल्ड, मेरे बच्चे इसे जल्दी से खा जाओ, अदरवाइज अन्यथा। अभी वो बोल भी नहीं पाया था, ही सेड सॉफ्टली, उसने बहुत ही नरमी से कहा, प्लेसिंग इट बिफोर महेश, उस गुच्छे को महेश के सामने रखते हुए। फादर, व्हाट इज इट, पिताजी ये क्या है।
Came, come and eat. Oh, cow, answered the four daughters. गफूर की पुत्री ने जवाब दिया, लुकिंग आउट द डोर, दरवाजे से बाहर देखते हुए, why have you again given Mahesh straw from the roof? आपने आखिर छत से महेश को भूसा या तिनका निकाल कर फिर से क्यों दिया? He had feared as much. वो काफी डर गया. It is old straw. यह पुराना भूसा है. It was rotting away. यह सड़ रहा था. He answered. उसने जवाब दिया. Ashamed. शर्माते हुए. I heard you pulling it, father. पिताजी, मैं सुन चुकी हूँ. तुम इसे खींच रहे थे. आप इसे खींच रहे थे. No, darling. It was not exactly. नहीं प्रिय बच्ची, ऐसा नहीं है. But you know, father, the wall will crumble. लेकिन पिताजी, आप जानते हैं कि ये जो दीवार है गिर जाएगी. गफूर वॉज साइलेंट. गफूर शांत था. ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट. उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय इस झोपड़ी के. हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन. उससे बेहतर यह कौन जानता था यदि वह इस झोपड़ी के प्रति सावधान नहीं रहेगा तो अगले बरसात के मौसम में यह झोपड़ी नहीं रहेगी. एंड इट व्हाट गुड वाज इट रियली. और अब इससे अच्छा क्या है वास्तव में. वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट. अपना हाथ धो और आओ खा लो. आई हैव सर्व्ड योर फूड. मैंने तुम्हारा भोजन परोस दिया है, लगा दिया है. सेड द लिटिल गर्ल. उस छोटी सी लड़की ने कहा. गिव मी द राइस वाटर, लेट मी फीड हिम. मुझे चावल का पानी या माड़ दो, मैं इसे खिलाऊंगा. देयर इज नन फादर. पिताजी, वह भी नहीं है. इट हैज ड्राइड अप इन द पॉट. यह बर्तन में ही सूख गया. नियरली ए वीक हैज पास्ट. लगभग एक सप्ताह बीत चुके थे. गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड. गफूर आंगन में बैठा हुआ था. सिक अप बॉडी एंड एनसीएस. उसका जो शरीर था बीमार था और वह काफी चिंतित था. एनसीएस का अर्थ चिंतित. महेश हैड नॉट रिटर्न्ड सिंस द डे बिफोर. एक दिन पहले तक भी महेश वापस नहीं आया था. ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस. वह स्वयं ही असहाय था. अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग. अमीना सुबह से ही तड़के से ही उस बैल को हर जगह देख रही थी. द इवनिंग शैडो वेयर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन केम होम. इवनिंग शैडो वेयर ऑलरेडी फॉलिंग. शाम की छाया पहले से ही फैल चुकी थी जब वह घर आई. हैव यू हर्ड फादर. क्या पिताजी, क्या आपने सुना है. मानिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, सी सेड. उसने कहा कि मानिक घोष ने महेश को पुलिस पेन मतलब कांजी हाउस में भेज दिया है. नॉनसेंस, बकवास. यस फादर, इट इज ट्रू. हाँ पिताजी, यह सच है. His servant said to me, उसके नौकर ने मुझे बताया. Tell your father to look for the bull at दरियापुर. उसके नौकर ने मुझे बताया और कहा कि अपने पिता को कहो कि वह दरियापुर में जाकर बैल को खोजे. What did he do? उसने क्या किया. He entered their garden, father. पिताजी, महेश उसके बागीचे में घुस गया था. गफूर मेड नो आंसर. गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया. एट द एंड ऑफ थ्री डे, तीन दिन की समाप्ति पर, दे से द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट. तीन दिन की समाप्ति पर उन लोगों का कहना है कि तीन दिन की समाप्ति पर पुलिस महेश को
कैटल मार्केट में पशुओं के बाजार में बेच देगी। लेट देम, एंसर्ड द फूल। फूल ने कहा बेचने दो। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन। अमीना को नहीं पता था कि पशु बाजार का अर्थ क्या है। सी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस व्हेनेवर इट वाज मेंशन्ड इन कनेक्शन विद महेश, बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड। सी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस। उसने कई बार इस चीज को नोटिस किया था, पाया था कि उसके पिता काफी असहज हो जाते हैं। व्हेनेवर इट वाज मेंशन्ड, जब मेंशन्ड इन कनेक्शन विथ महेश, जब कभी महेश से संबंध की बात होती थी तो। बट टूडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड्स, लेकिन आज वह बाहर चले गए बिना एक शब्द बोले। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात की छाया में, गफूर सेक्रेटली केम राउंड टू बंसीज शॉप। गफूर बहुत ही गुपचुप तरीके से बंसी की दुकान पर आया। अंकल यू सेल हैव टू लेंट मी ए रूपी, चाचा जी आप मुझे एक रुपया कर्ज देंगे। सेठ ही, उसने कहा। पुटिंग डाउन ए ब्रास प्लेट अंडर द सीट, ब्रास का एक प्लेट थी, ब्रास की एक दस्तरी थी पीतल की, जो उसके सीट के नीचे रखी हुई थी। बंसी वाज वेल एक्वेंट विथ हिज ऑब्जेक्ट, बंसी उसके उस वस्तु से, उस प्लेट से, उस दस्तरी से अच्छी तरह से परिचित था। इन द लास्ट टू ईयर्स ही हैड लेंट ए रूपी एट लीस्ट फाइव टाइम ऑन दिस सिक्योरिटी। ये जो दो साल, आखिरी के दो साल थे, इन दो सालों में गफूर पांच बार कर्ज ले चुका था, पैसे ले चुका था इस धरोहर के बदले। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टूडे आइदर, और बंसी ने आज भी कोई आपत्ति नहीं जताई। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वाज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, अगली सुबह महेश को अपने स्थान पर सामान्य तरह से देखा गया, मतलब पैसा उधार लेने के बाद गफूर बंसी महेश को या बैल को ले आया था। एंड एल्डरली मोहम्मदन वाज एग्जामिनिंग हिम विद वेरी शार्प आईज, और एक बुजुर्ग मुसलमान अपनी तेज आंखों से उस बैल का निरीक्षण कर रहा था। नॉट फॉर अवे ऑन वन साइड गफूर सैट ऑन द ग्राउंड, और ज्यादा दूर नहीं, एक कोने, एक ग्राउंड जमीन पर, एक किनारे पर गफूर भी बैठा हुआ था। ऑल हस्ट अप, कुछ उकड़ू बनकर। द एग्जामिनेशन ओवर, निरीक्षण समाप्त हुआ। द ओल्ड मैन अनटाइड ए 10 रुपी नोट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने शॉल के कोने से, कोने को खोलकर 10 रुपये का नोट निकाला। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, और उस नोट को बार बार हाथों से सहलाया। सेट, और कहा हियर टेक दिस, ये लो। आई सेल नॉट टेक एनीथिंग ऑफ, अब मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा। आई एम पेइंग द बुल प्राइस, मैं इस बैल की कीमत चुका रहा हूँ। स्ट्रेचिंग हिज हैंड गफूर टुक द मनी, गफूर ने हाथ बढ़ाकर पैसे को लिया। बट रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन शांत रहा। एस द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन वेयर अबाउट टू टेक द रोप अराउंड द एनिमल्स नेक, लेकिन जब दो लोग जो उस बूढ़े व्यक्ति के साथ आए थे, उस जानवर के गर्दन में बंधी हुई रस्सी को लेने को हुए, ही सडनली स्टूड बोल्ट अपराइट, वो अचानक ही उछल कर खड़ा हो गया। डोंट टच द रोप, रस्सी को मत छूना। आई टेल यू, मैं कह देता हूँ।
बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, आई वार्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ही क्राइड आउट हॉर्सली, वो बहुत ही भयानक तरीके से चिल्लाया। दे वेयर टेकन अबैक, वे भौचक रह गए। अबैक का अर्थ है भौचक, वाई, क्यों? आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, उस बूढ़े व्यक्ति ने चकित होते हुए पूछा। देयर इज नो वे टू इट, ऐसे ही, कोई जवाब, कोई रीजन न देते हुए कहा, ऐसे ही, इज माय प्रॉपर्टी, ये मेरी संपत्ति है। आई शैल नॉट सेल हिम, मैं इसे बेचूंगा नहीं। इट इज माय प्लीजर, ये मेरे मन की बात, मेरी बात है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, उसने उसी स्वर में कहा, जवाब दिया, एंड थ्रू द नोट अवे, और नोट को फेंक दिया। बट यू एक्सपेक्टेड द डिपोजिट यस्टरडे, डिपोजिट का अर्थ है पेशगी, लेकिन तुमने कल तो पेशगी ले लिया था। All three said in chorus, वे सभी तीनों एक स्वर में बोले, कोरस का अर्थ है एक स्वर में बोलना। Take this back, इसे वापस लो, he answered, flinging 2 rupees across to them, इसे वापस लो, और 2 रुपए को उनकी तरफ फेंकते हुए उसने कहा। फ्लिंगिंग का अर्थ फेंकते हुए, 2 रुपए जो पेशगी में उसने लिया रहा होगा उसको भी फेंकते हुए उसने कहा। Thank you.